हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ उड़द के दाल का दही वड़ा बनाने, जो काफ़ी पसंद ठंडियों में। तो ये एक बार आप बनाएंगे तो बार बार आपको बनाने का बनेगा। इसे मैंने रात भर फूलने के लिए रख दिया है। 2 से 3 कटोरी मैंने उड़द दाल लिए थे, आप देख सकते हैं फूल चुका है। इसे मिक्सी जार में डाल करके आप थोड़ा से, या तो आप चाहें तो इसे छान लें, या हाथों की सहायता से भी आप, पानी निकल जाता है। तो चलिए हम लोग इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। आप इस तरह से छन्नी की सहायता से भी पानी निकाल सकते हैं। आवश्यकता पड़े तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लें और इसे इसमें डाल करके फिर से आप देख सकते हैं। इधर मैंने ग्राइंड कर लिया है कुछ को इस तरह से आप ही ग्राइंड कर लें, जिस तरह से मैं यहाँ पे करूँगी। ग्राइंड कर लिया है। इसमें मैंने हींग आधी चम्मच के लगभग मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये आप देख सकते हैं अजवाइन है भी, मैंने आधी चम्मच ही लिए हैं यहाँ पर। थोड़े से मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। तो इससे इन सारे इंग्रेडिएंट्स को, इसमें नमक ऊपर से लोग डाल करके दही वड़े में यूज करते हैं, इसलिए मैं इसमें नमक नहीं ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसे इस तरह से अच्छे से इसे मिलाएं, पूरे अच्छे से इसे फेंटे। इतना टेस्टी और यम्मी बनता है कि मैं क्या बताऊँ। हींग मैंने इसमें डाला है, जिससे कोई पेट के लिए ख़राब नहीं करेगा। इतनी खस्ती इसकी पकौड़े बनते हैं, आप चाहे तो इसे 1-2 दिन भी रख करके आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग इस तरह से अच्छे से मिला लेते हैं। और इधर मैंने आप एक कटोरी में पानी रखा है, इसे मैं चेक करूंगी कि अच्छा बनने के लिए तैयार हुआ है कि नहीं। इसे फेंटने में लगभग 2 से 4 मिनट के लगभग लग जाते हैं। इसे बराबर से अच्छे से फेंटें, आप देख सकते हैं पूरे अच्छे से मिल चुके हैं और अच्छे से फिटा चुके हैं। आप इसे हाथ में लेकर के इस तरह से कटोरी में पानी रखें और इसे इस तरह से डाल करके आप देख सकते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं कितने अच्छे से उठ रहे हैं, इसका मतलब ये अच्छे से फिटा चुका है। आप इसी तरह से फेंटें। तो चलिए अब इसकी हम लोग पकौड़ियाँ तल लेते हैं। आप इस तरह से चेक करके देख सकते हैं कि तेल गर्म है कि नहीं। इस तरह से आप देख सकते हैं तेल पूरी तरह से गर्म हो चुका है पकौड़ा तलने के लिए। तो चलिए इस हम लोग इस तरह से हाथों पे थोड़ा थोड़ा लेकर के पकौड़े का साइज दे करके इस तरह से पहले पकौड़े तल लेंगे। फ्लेम को तेज ना रखें, धीमा ही रखें। इस तरह से आप एक एक करके डालते जाए, फ्लेम को धीमा रखें बड़े को। और बहुत ही टेस्टी और यम्मी, आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार इस तरह का बनाकर, आप इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि आप इसे स्टोर करके भी आप रख सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं ठंडा पानी मैंने रखा है, जिसमें मैं बड़े को अच्छे से फ्राई होने के बाद में इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी, उसके बाद में छाछ मैं तैयार करूँगी, उसमें से फूलने के लिए डालें। इस तरह से आप दही को अच्छे से, छाछ को इस तरह से मिला करके इसे अच्छे से मथ के बराबर से आप देख सकते हैं कितने अच्छे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग उधर बड़े को भी चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर का हुआ है, ये आप लोग भी धीमा ही रखें। देखिए कितना फूल गया हुआ है, देखने में लग रहा है ना कितना सॉफ्टी सॉफ्टी बड़ा। आप लोग एक बार जरूर इसे इस तरह से ट्राई करके देखिए, बहुत ही यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनते हैं। आप इसे पकौड़े की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उड़द के दाल का पकौड़ा भी बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है। गोल्डन होने तक इसे अच्छे से पकने दें। आप देख सकते हैं फ्लेम को मैंने धीमा ही रखा है। इसी तरह से आप भी सारे पकौड़े तल लें। तो चलिए मैं इसे गोल्डन हल्का हल्का होने लगा, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। निकाल करके आप इसे ध्यान रखें कि तुरंत ही ठंडे पानी में आप इसे डालें, जिसके कारण ये सॉफ्ट कोट हो जाएगा। इतने अच्छे भरे हैं, इसकी तिल अच्छे से रिफाइन निकल जाए, उसके बाद में आप इसे इसमें डाल करके इसे दबा करके रखें। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 मिनट में, देखिए आप कितने अच्छे से बड़े सब फूल चुके हैं। इसी तरह से आप भी इसे फूल लेते तो इतनी ये सॉफ्ट रहे। तो चलिए इसे हम अब लोग
अब इसे दही में डाल सकते हैं। आप चाहे तो खाली पकौड़ा भी फ्रिज में स्टोर करके तो उसे 3 दिन तक रख सकते हैं, और इसे आप जब आपको खाने का मन हो तो दही में डालिए और फटाफट फिनिश कीजिए। इधर मैंने दही भी तैयार रखे हैं, तो चलिए सबको इसमें हम लोग डाल लेते हैं। इस तरह से इसे अच्छे से मट्ठे में या छाछ में आप इस तरह से डुबो दे पूरे से। तो चलिए अब मैं इसे आप लोग को सर्व करके दिखाती हूँ कि जीरा पाउडर डाले, चाट मसाला डाले और आप केचप भी डाल करके इसे, आप काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा जलजीरा पाउडर डाल रही हूँ, चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, आप चिली पाउडर ऐड करें, इससे बहुत ही टेस्टी। आप चाहे तो इसे इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। यहाँ देखिए मैंने थोड़े थोड़े केचप डाले हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी बना देता है दही वड़े को। इस ठंडियों में आप लोग भी इसकी मजा ले। आप चाहे तो इसे वसंत पंचमी आने वाली है उस पर भी आप सेलिब्रेट इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़े थोड़े आप दही ऐड कर दें जिससे ये और भी टेस्टी और यम्मी लगेगा खाने में। चलिए तो मैं इसमें काला नमक स्वादानुसार आप ऐड कर लें, इसमें काला नमक भी ऐड कर दिए हैं जिससे ये और यम्मी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इस तरह से सेलिब्रेट कीजिए और कैसा बना मुझसे शेयर करें ज़रूर। थैंक